पंजाब के रायकोट में आज नशे के खिलाफ एक रैली निकाली गई, जिसकी अगुवाई बलविंदर कौर प्रिंसिपल अकाल अकादमी महल कला ने की। उनके स्कूल के विद्यार्थी और स्कूल के अध्यापक सहवान भी उनके साथ पहुंचे। खास बात इस रैली में ये देखने वाली थी कि रायकोट शहर की पुलिस भी इसमें शामिल हुई और रैली में पूरा साथ दिया। SHO जसविंदर सिंह और उनकी पूरी पुलिस पार्टी इस रैली में शामिल हुई। इस रैली की शुरुआत शहर के थाने के सामने से की गई, जिसको हरी झंडी SHO जसविंदर सिंह ने देकर रवाना किया और ये रैली थाने से होते हुए तलवंडी बाजार पहुंची और फिर सरदार हरी सिंह नलवा चौक पर पहुंची और बस अड्डे पर समाप्त की गई। ऐसी रैलियां अक्सर देखने को मिलती हैं और पंजाब से नशा खत्म करने के लिए और भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, पर इस रैली में खास था बच्चों का उत्साह और गर्मजोशी। हाँ जी, ऐसी अकाल अकैडमी महल कलां तो एक बच्चों द्वारा एक रैली कढ रहे हैं जी, जिसका मुख्य विषय है पंजाब दे नौजवान पीढ़ी नूं नशा तों रोकण वास्ते जी। क्योंकि जी ये बच्चे इन्हां दा जिहड़ा माहौल है एक अध्यात्मिक माहौल विच पढ़ाई करते हैं, तो अज पंजाब साढ़े इंडिया के चारों सूबे 129 अकैडमियों द्वारा यह रैली अज ही कढ़ी गई है, जिहदे विच इहदा मेन मकसद यही है कि क्योंकि जी जदों बच्चा एक बोलता है उसकी एक इन्नी शुद्ध आत्मा द्वारा जो कुछ भी बोलूगा उसका बहुत ही प्रभाव होगा। तो यही साडा मेन मकसद है कि पंजाब की नौजवान पीढ़ी नूं नशा तो मोड़ के असी एक अच्छा इंसान बनाइए ते एक अच्छी विद्या दे नाल जोड़िए। अज टोटल जी किन्ने विद्यार्थियों ने इहदे विच भाग लिया जी? 144 विद्यार्थी साडे अकाल अकैडमी महल कलां तों ने जी, ते बाकी 129 अकैडमियां विचों तकरीबन 60,000 बच्चा अज सड़कां ते उतरिया होया है, जिन्हां दा यही ही अज नारा है कि पंजाब नूं नशा तों जोड़िए, तोड़ के विद्या दे नाल जोड़ के भगवान दे नाल जोड़ के इस पंजाब नूं बचावीए। माई नेम इज जशनूर कौर एंड स्टडी इन अकाल अकैडमी महल कलां एंड टूडे वी आर डूइंग दिस वॉकाथन सो दैट आर फ्यूचर शुड नॉट बी स्पॉइल्ड ड्यू टू ड्रग्स एंड फर्स्टली अ क्वेश्चन अराइजेज इन आर माइंड दैट वाई आर कंट्री इज नॉट डिवेलपिंग, वाई वी आर स्टिल ऑन द सेम प्लेस। इट मीन्स दैट आर गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ आर कंट्री। नो, एवरीबडी इज वर्किंग प्रॉपरली बट इट्स मेन कॉज इज ड्रग एडिक्शन। Drugs are very harmful for us as they destroy a person's ability to do work as well as they destroy a thinking power of a person. Taking drugs leads to death. Taking drugs and overuse of drugs cause destruction of our brain. And now I would like to share my views regarding its solution. Firstly, we as government is taking various steps for reducing drugs, we should also motivate others that we should not take drugs as we can tell them their harmful effects. We can help government bodies to accomplish their desire, or we can help them to accomplish their dream of drug-free Punjab, and we can join local bodies so that we can get rid from this evil. अज इत्थे अपने अकाल अकैडमी महल कलां वालों नशिया संबंधी एक जागरूक रैली कढ़ी गई है, जिहदे नाल शहर विच मतलब सारे लोगों जागरूक किया जाऊगा नशिया संबंधी। इन्होंने बहुत वधिया उपराला किया वा, इदां दी रैलियां असीं चाहुंदे हां बाकी स्कूलों वाले भी कढ़दे रहण ताकि लोगों नूं जागरूक किया जा सके नशिया संबंधी। की सर तुसीं तुहानूं की लगदा सर, इस तरह दीआं रैलियां नाल आउण वाली पीढ़ी नूं कोई फर्क पऊगा जी? इदां दी रैलियां कढ़न नाल जी आउण वाली पीढ़ी नूं आपां संभालिया जा सकदा, ठीक है, नशा संबंधी उन्हां नूं जागरूक होणगे तां आपे इन्हां नशे तों दूर रहणगे जी। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।